हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएपी जर्नी वंस अगेन। आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से एसएपी जर्नी में स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी हमारी 3 वीडियो पब्लिश हो चुकी हैं जो एसएपी इंस्टॉलेशन से रिलेटेड हैं, और ये जो आज की हमारी वीडियो है ये हमारी 4th वीडियो है एसएपी इंस्टॉलेशन से। तो अभी जो लास्ट वीक गया है उस वीक में मैं आपकी मेल वगैरह चेक नहीं कर पाया हूँ, और मुझे पता है काफ़ी मेल पेंडिंग है, अभी उनका रिप्लाई पेंडिंग है। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको मेल का रिप्लाई कल तक कर दूँगा, कल मिडनाइट तक। और जितने भी व्यूअर्स के पास एसएपी नहीं है, तो ये जो आप सभी व्यूअर ने पहले रिक्वेस्ट की थी कि हमको एसएपी इंस्टॉलेशन के बारे में बताया जाए कि एसएपी इंस्टॉल कैसे होता है, जो हमारे पास एसएपी का आईडीएस पैक है, जो इंस्टॉलेशन का डाटा है, तो आपको वो मिलने के बाद आपको कैसे इंस्टॉल करना है उसको अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप में। तो उस डाटा से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि कौन कौन से स्टेप इंक्लूड हैं एसएपी इंस्टॉलेशन में। तो ये जो हमारा ट्यूटोरियल बनाने का मतलब है, जो एसएपी इंस्टॉलेशन का ये यही पर्पस है, क्योंकि बहुत सारे यूज़र ने ये रिक्वेस्ट डाली थी कि सबसे पहले हमको ये बताया जाए कि एसएपी इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं हम अपने लैपटॉप में या अपने डेस्कटॉप में। तो उसी के रिगार्डिंग ये जो वीडियो का ट्यूटोरियल हमारा चल रहा है वो उसी के रिगार्डिंग चल रहा है। और जितने भी नए यूज़र हमारे साथ जुड़ रहे हैं इन दिनों, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अब आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हमारी जो एसएपी इंस्टॉलेशन की वीडियो है, अगर आपके पास एसएपी आईडीएस अवेलेबल है, इंस्टॉलेशन की डीवीडीज अवेलेबल हैं या इंस्टॉलेशन मटेरियल अवेलेबल है, तो आप हमारे ये जो वीडियो का ट्यूटोरियल चल रहा है इसके अकॉर्डिंग आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं या इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, जो भी आपका आईडीएस का जो वर्ज़न है उसके अकॉर्डिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं सबसे पहले हमने क्या किया था, एक हमारे सिस्टम के अंदर एक फ्रेश विंडो इंस्टॉल की थी, और वो थी विंडो 7 64 बिट के साथ। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से याद रहे ये चीज़ें, बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ। कुछ यूज़र हैं जिनको एक या दो बारी में अच्छे से याद हो जाती हैं, कुछ यूज़र हैं जिनको दो या तीन बारी में रिपीट करके चीज़ें याद होती हैं। तो सभी का अपना अपना स्टैंडर्ड है याद रखने का, लर्न करने का। तो मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले हमने ये विंडो इंस्टॉल की थी, विंडो 7। देन उसके बाद हमने क्या किया था, इसके ड्राइवर अपडेट किए थे, और जो हमको बेसिक सॉफ्टवेयर की नीड थी एसएपी इंस्टॉलेशन के लिए, हमने वो सभी बेसिक सॉफ्टवेयर यहाँ पे इंस्टॉल किए। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने ये जो वीएमवेयर वर्कस्टेशन आपको दिख रहा है ये हमने इंस्टॉल किया, इसका वर्ज़न था 12.5। और हमने ये वीएमवेयर इंस्टॉल करने के बाद इस पर डबल क्लिक करके इसको हम रन करते हैं। जैसे ही हमारा ये वीएमवेयर वर्क स्टेशन इंस्टॉल हुआ, उसके बाद हमने इसमें एक वर्चुअल मशीन क्रिएट की थी, और वर्चुअल मशीन क्रिएट की और फिर उस वर्चुअल मशीन में हमने विंडो अपडेट की, विंडो इंस्टॉल की। तो यहाँ पे जो लास्ट वीडियो में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल आपको यहाँ पे विंडो नज़र आएगी, बट अभी मैंने आज क्या किया है, मैंने एक और विंडो इसमें डाल दी है 2008, और अब दोनों विंडो यहाँ पे हैं, क्योंकि जो लास्ट टाइम हमने आपको बताया था कि विंडो 2003 जो थी विंडो सर्वर 2003 वो हमने इंस्टॉल की थी, बट क्या हुआ कि ये जो यहाँ पे आप विंडो देख रहे हैं, ये जो हमने आईएसओ फाइल ली थी ये 32 बिट की है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक और जो वर्चुअल मशीन क्रिएट की है, और उसमें हमने डाली है विंडो सर्वर 2008 64 बिट। तो 64 बिट की यहाँ पे हमने सर्वर विंडो डाली है, और यहाँ पे 32 बिट की सर्वर विंडो डाली है। तो अब हम जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो हम आपको दोनों टाइप से इंस्टॉलेशन करके दिखाएंगे। ये जो यहाँ पे
2003 जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है एंटरप्राइज एडिशन R2, ये क्या है, ये 32 बिट की विंडो है, विंडो सर्वर है, और 32 बिट पे आप SAP कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, जो रैकल का जो 32 बिट का जो सेटअप रहता है वो कैसे इंस्टॉल करेंगे, और जो 64 बिट के अकॉर्डिंग आपको SAP की इंस्टॉलेशन कैसे करनी है, हम वो दोनों चीज़ आपको बताएंगे इसके अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जैसे ही ये वर्क स्टेशन हम इंस्टॉल कर लेंगे, इसके अंदर हमने वर्चुअल मशीन क्रिएट की, देन वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के बाद हमने इसके अंदर हमारी जो विंडो थी वो अपडेट की, इंस्टॉल की, और विंडो इंस्टॉल करने के बाद जो भी स्टेप्स हैं वो आज आगे जो भी स्टेप रहेंगे वो इस वीडियो में हम जानेंगे, जो मैं आपसे लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहा था कि लूप बैक एडप्टर क्या है, और जो भी बेसिक सेटिंग्स रहेंगी इस विंडो सर्वर के अंदर वो हम सबसे पहले करेंगे, फिर SAP इंस्टॉलेशन करेंगे। और अभी तक मैं आपकी जितनी भी मेल्स वगैरह हैं ज़्यादा देख नहीं पाया हूँ, तो कोशिश करूँगा कल तक मैं ट्राई करता हूँ कि आपकी सभी मेल का रिप्लाई करूँ, क्योंकि टाइम नहीं लग पा रहा है मुझे, हो सकता है काफ़ी स्टडी मटेरियल की मेल भी मे बी पेंडिंग हो। तो जल्दी से इस जो फर्स्ट हमारा जो वर्चुअल मशीन है इस पे मैं क्लिक करता हूँ, जिसके अंदर 32 बिट 2003 एंटरप्राइज एडिशन सर्वर 2003 विंडो डली हुई है। इसको रन करने के लिए यहाँ से रिज्यूम करना है आपको। रिज्यूम का मतलब है कि अभी जिस स्टेट के अंदर हमने इस वर्चुअल मशीन को बंद किया था, सेम स्टेट के अंदर हमारी वर्चुअल मशीन स्टार्ट हो जाएगी। तो रिज्यूम करता हूँ, आप यहाँ से रिज्यूम कर सकते हैं, या ये जो ऊपर आपको रिज्यूम का बटन दिख रहा है आप यहाँ से भी इसको रिज्यूम कर सकते हैं। तो मैं रिज्यूम कर लेता हूँ, और जैसे ही रिज्यूम करता हूँ तो ये हमारी जो वर्चुअल मशीन है वो ऑटोमेटिकली जो जिस पोजीशन में हमने लास्ट वीडियो में क्लोज किया था इसको, सेम पोजीशन में वो विंडो हमारे सामने ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे सेम पोजीशन में वो विंडो हमारे सामने ओपन हो गई है। रिसाइकल बिन मैं यहाँ रखता हूँ। तो अब हमको करना क्या है, सबसे पहले हमने क्या किया था इस यहाँ पे आपको करना क्या है, जैसे ही आपकी विंडो इंस्टॉल होती है वर्चुअल मशीन के अंदर जहाँ पे आपको SAP डालना है, तो आप सबसे पहले माई कंप्यूटर को ओपन करेंगे, और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है सी ड्राइव, मीन्स इसके अंदर सिर्फ हमने जो विंडो इंस्टॉल की है, तो विंडो इंस्टॉलेशन के टाइम हमने सिर्फ एक सिंगल ड्राइव इस विंडो के अंदर क्रिएट की है, जिसका साइज़ है 371 GB टोटल साइज़ है, और जो इसके अंदर फ्री साइज़ है, फ्री स्पेस है, जो इसका विंडो इंस्टॉलेशन के बाद जितना भी स्पेस फ्री बचता है हमारे पास वो यहाँ पे दिखा रहा है हमको 367 GB हमारा फ्री स्पेस है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आप विंडो इंस्टॉल करें वर्चुअल मशीन के अंदर, तो आपको तीन फोल्डर यहाँ पे रखने होंगे। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे हमने कहीं डिस्कस किया था, ये देखिए, ये जैसे कि यहाँ पे ओरेकल, ये जो बताया था मैंने, एक एक जो फोल्डर आपको क्रिएट करना होगा, या फोल्डर बोल सकते हैं या आप ड्राइव बोल सकते हैं, एक जो ड्राइव आपको क्रिएट करनी होगी वर्चुअल मशीन के अंदर विंडो में, जो कि ओरेकल के लिए करनी पड़ेगी, और एक जो ड्राइव आपको करनी पड़ेगी वो SAP इंस्टॉलेशन का जो डाटा है हमारे पास उससे रिलेटेड आपको करनी पड़ेगी। बट यहाँ पे अगर हम हमारे वर्चुअल मशीन के अंदर देखें तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, कि यहाँ पे हमने एक सिंगल ड्राइव क्रिएट की है, बट जो हमारा SAP इंस्टॉलेशन का डाटा है वो हमारा कहाँ है, जो मेरे पास एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है मैंने उसमें मेरा डाटा रखा हुआ है। तो अब सबसे पहले ये जानते हैं कि SAP इंस्टॉल तो हमको करना है, बट हमारे पास स्पेस अवेलेबल नहीं है इस मशीन पे, यहाँ पे सिर्फ 367 GB स्पेस अवेलेबल है, और जो हमारा हार्ड ड्राइव में, जो पोर्टेबल ड्राइव में हमारा जो डाटा रखा हुआ है उसको कैसे वर्चुअल मशीन से कनेक्ट करेंगे ताकि हम
इस वर्चुअल मशीन में उस डाटा को यूज़ कर सकें, उस डाटा को इंस्टॉल कर सकें। तो हमको डाटा चाहिए सबसे पहले, जो SAP इंस्टॉलेशन का डाटा है। बट अगर हम यहाँ पे सी ड्राइव में जाते हैं तो सिर्फ सी ड्राइव में हमारे जो विंडो की फाइलें रखी हुई हैं, बट हमको यहाँ पे कोई भी SAP डाटा नहीं दिखा रहा है। अगर हम यहाँ पे कॉपी करते हैं तो हमको ज़्यादा हार्ड डिस्क यूज़ होगी, जिसके लिए अगर आपको आप चाहते हैं कि आपका डाटा जो SAP इंस्टॉलेशन का डाटा है वो भी यहाँ पे आप इस वर्चुअल मशीन में ही रखें, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, कम से कम आपको 1 TB की 1 TB की हार्ड डिस्क आपको लेनी होगी, ताकि आप अपना डाटा भी इसी वर्चुअल मशीन के अंदर कॉपी करके रख सकें और डिफरेंट डिफरेंट ड्राइव बना के, जैसे कि एक ओरेकल के लिए ड्राइव बना के ओरेकल इंस्टॉल कर सकें, SAP इंस्टॉलेशन का डाटा आप कॉपी कर सकें। बट मैं एक्स्ट्रा ड्राइव यहाँ पे नहीं क्रिएट की है मैंने यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास जो है वो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है और उसी को मैं शेयर करके वर्चुअल मशीन के थ्रू यूज़ करता हूँ। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि जो आपकी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है या पोर्टेबल हार्ड डिस्क है जिसमें आपका इंस्टॉलेशन का डाटा रखा हुआ है, उसको आपको कैसे शेयर करना है वर्चुअल मशीन के अंदर, सबसे पहले ये जानते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे आपकी वर्चुअल मशीन आपको दिख रही है, आपको इस पे राइट क्लिक करना है, देन यहाँ पे सेटिंग्स हैं, जो सेटिंग्स में जाना है। जैसे ही आप सेटिंग्स में जाएंगे तो आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी, जो इनिशियल स्टेज पे हमने जब वर्चुअल मशीन क्रिएट की थी तब जो भी डिटेल हमने इस वर्चुअल मशीन को प्रोवाइड करवाई थी वो सभी डिटेल आपको यहाँ शो होंगी, जैसे ही आप ऑप्शन के बटन सेटिंग के बटन पे क्लिक करते हैं। वर्चुअल मशीन सेटिंग सबसे ऊपर लिखा हुआ है। अब आपको करना क्या है, आपको अपनी वर्चुअल डिस्क जो है, आपकी जो पोर्टेबल डिस्क है, जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, उसको आपको शेयर करना है वर्चुअल मशीन के अंदर। तो आपको करना क्या पड़ेगा, ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है सबसे ऊपर, तो अभी आप कहाँ पे हैं, हार्डवेयर में हैं, आपको ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये दूसरी विंडो में आ जाएंगे आप, और दूसरी विंडो में आने के बाद अब हमको हार्ड डिस्क जो है हमारी, जो पोर्टेबल हार्ड डिस्क है जिसमें हमारा SAP इंस्टॉलेशन का डाटा है या और भी जो फाइल हम यूज़ करना चाहते हैं इस वर्चुअल मशीन में, बट वो हमारी दूसरी हार्ड डिस्क में पड़ी हुई है जो कि हमने अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप से कनेक्ट की हुई है, तो उसको कैसे शेयर करेंगे इस वर्चुअल मशीन में। क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें अभी तो यहाँ पे कोई भी शेयर नेटवर्क नहीं है, ये मैंने शेयर किया था बट हटा दिया है यहाँ से। तो हमारे पास, आपके पास जब आप ऐसे ओपन करेंगे माई कंप्यूटर वर्चुअल मशीन के अंदर, तो सिर्फ सी ड्राइव आएगी और साथ में जो भी आपका, अगर आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है CD और DVD ROM, तो वो सिस्टम शो करेगा। अदरवाइज़ आपके पास कोई भी शेयर जो फोल्डर है वो नहीं दिखाएगा। तो आपको शेयर करने के लिए क्या करना है, हार्ड ड्राइव शेयर करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है, देन सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग में जाके आपके ऑप्शन पे क्लिक करना है, ऑप्शन में जाके आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिखेगा सेटिंग जनरल, यहाँ पे शेयर फोल्डर है थर्ड नंबर पे, शेयर फोल्डर पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप शेयर फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए, अभी जहाँ मेरा कर्सर है, अगर आप देख पा रहे हैं मेरे कर्सर को, जहाँ पे येलो मार्क है, इससे नीचे डिसेबल है जो शेयर फोल्डर है इस वर्चुअल मशीन में, वो ऑप्शन क्या क्या हो रखा है, डिसेबल हो रखा है, बट हमको उसको इनेबल करना है ताकि वो वर्क कर सके, हम कोई फोल्डर शेयर कर सके। तो यहाँ पे मैं इसको ऑलवेज इनेबल पे क्लिक करता हूँ, देन ये जो मैप का बटन अगर यहाँ पे सेलेक्ट नहीं है तो आपको इसको मैप एज ए नेटवर्क ड्राइवर इन विंडो गेस्ट पे करना है, और उसके बाद आपकी जो पोर्टेबल हार्ड डिस्क है उसको यहाँ से ऐड करना है। ऐड का बटन जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये जो ऐड का बटन है, तो ये विंडो ओपन हो जाएगी आपके सामने। अब इस विंडो पे सबसे ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, ऐड शेयर्ड फोल्डर विजार्ड। तो आपको इस पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर क्या है, होस्ट पाथ, मीन्स होस्ट हमारा कौन सा है, होस्ट है ये जो सिस्टम है, और जो क्लाइंट है हमारा वो कौन सा है, जो वर्चुअल मशीन है। तो हमको हमारी जो हार्ड डिस्क है वो कहाँ पे कनेक्ट है, हमारी जो हार्ड डिस्क है मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप ये होस्ट कंप्यूटर का माई कंप्यूटर खोलेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको माई पासपोर्ट के नाम से हार्ड डिस्क दिखाएगा, जो कि आपके डेस्कटॉप से कनेक्ट है या लैपटॉप से कनेक्ट है।
बट अगर आप वर्चुअल मशीन में माई कंप्यूटर ओपन करते हैं, यहाँ पे मैं इसको बंद करता हूँ एक बार, वर्चुअल मशीन में माई कंप्यूटर ओपन करते हैं तो यहाँ पे कोई भी हार्ड डिस्क शो नहीं कर रहा है। बट हमको करना क्या है, हमको उस हार्ड डिस्क को यूज़ करना है और उसको शेयर करना है इस वर्चुअल मशीन से। तो आपको सेटिंग्स में जाके, ऑप्शन में जाके, शेयर फोल्डर में जाके यहाँ पे ऑलवेज इनेबल करना है, देन मैप का बटन क्लिक करना है, उसके बाद ऐड का बटन प्रेस करना है, देन नेक्स्ट करना है। फिर हमको होस्ट का पाथ देना है कि जहाँ पे हमारी हार्ड डिस्क है होस्ट सिस्टम पे, तो ब्राउज़ करना है उसको। और ब्राउज़ करने के बाद आपको करना क्या है, जो आपकी हार्ड डिस्क है उसको ओपन करना है, यहाँ पे ऑल प्रोग्राम को ओपन करना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको SAP इंस्टॉलेशन पार्ट टू, जो भी आप फोल्डर शेयर करना चाहते हैं जो भी आप फोल्डर शेयर करना चाहते हैं यहाँ पे SAP स्टडी, SAP IDES, और मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ ये फुल SAP 6.0 4.7। इसको मैं क्लिक करता हूँ और मैं ओके करता हूँ। और यहाँ पे आप उसका कुछ भी नाम दे सकते हैं, शेयर फोल्डर करके नाम दे सकते हैं, यहाँ पे शेयर शेयर्ड फोल्डर अंडरस्कोर फोल्डर, कि ये मेरा शेयर फोल्डर है, और इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ और फिनिश करता हूँ और देन ओके करता हूँ। तो जैसे ही मैं ओके करता हूँ, मैं इस विंडो को बंद करता हूँ और दोबारा माई कंप्यूटर में जाता हूँ, तो यहाँ पे ये देखिए शेयर फोल्डर के नाम से एक फोल्डर बन गया है मेरी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का, जो कि है होस्ट कंप्यूटर पे। अब मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ शेयर फोल्डर को ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास जो भी इंस्टॉलेशन का डाटा है SAP इंस्टॉलेशन का, तो वो यहाँ पर नज़र आ रहा है मुझे। अब मैं इसको यूज़ करके SAP इंस्टॉल कर सकता हूँ। सभी फाइलें यहाँ पे मेरे को वो शो कर रहा है, जितनी भी फाइलें हैं SAP इंस्टॉलेशन की, तो हम यहाँ से SAP इंस्टॉल कर सकते हैं। ये तो था कि हमको एक जो होस्ट कंप्यूटर पे हमारी जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कनेक्ट है उसको कैसे हमको शेयर करना है वर्चुअल मशीन के साथ। सेकेंडली, अब हम स्टार्ट करते हैं जो प्रोसेस थी वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के बाद, जो प्रोसेस था SAP इंस्टॉलेशन का, अब हम स्टार्ट कर सकते हैं। बिकॉज सभी यूज़र्स के पास जो सिस्टम है वो इतने ज़्यादा हाईली वो नहीं है कि उन 4 GB रैम हो और नियर अबाउट 1 TB की हार्ड डिस्क हो, मे भी हो सकता है 500 GB की भी हार्ड डिस्क हो किसी यूज़र के पास, किसी सब्सक्राइबर के पास। तो इसीलिए मैंने आपको ये एक्स्ट्रा ऑप्शन बताया है। अगर आप चाहें तो जो आपका डाटा है, अगर चाहे वो पेन ड्राइव हो आपके पास 64 GB की, या आपकी हार्ड डिस्क हो एक्सटर्नल, या आप किसी से हार्ड डिस्क बोरो करके लेके आएँ जिस पे SAP का डाटा है, और उसको आप वर्चुअल मशीन में शेयर करके आप यूज़ कर सकते हैं। वो मैंने आपको बताया कि आपको शेयर कैसे करना है, ताकि आप अगर किसी से बोरो करके लेके आएँ तो एक बार SAP इंस्टॉल कर लें उसको शेयर करके उस ड्राइव को, और बाद में उसको लौटा दें। तो अब हम जानते हैं कि प्रोसेस क्या है आगे का जो SAP इंस्टॉलेशन का है। मैं इसको बंद करता हूँ यहाँ से। तो सबसे पहले दोस्तों हमको करना क्या है, हमारा जो विंडो इंस्टॉल हो गई है, हमने पार्टीशन अगर करने थे तो हमने पार्टीशन नहीं किए, आप करना चाहें तो पार्टीशन कर सकते हैं विंडो इंस्टॉलेशन के बाद। देन उसके बाद हमको क्या करना है, लूप बैक अडेप्टर जो है वो इंस्टॉल करना है। यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट लिख देता हूँ, मैं एक बार पॉज करता हूँ वीडियो को।
जितने स्टेप्स रहेंगे हमारे एसएपी इंस्टॉलेशन के इनिशियल से, मैं एक बार यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। इंस्टॉल विंडोज़ जो आपके होस्ट सिस्टम पे करनी है आपको, जो आपको क्लाइंट उस पे डालनी है, जो भी आपकी वर्चुअल मशीन रहेगी। सेकेंडली मेक पार्टीशन, मेक पार्टीशन थर्ड नंबर पे आ जाता है। पार्टीशन के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा, कि पार्टीशन आपको कितने करने हैं और एकल अप्रोक्स 10 GB, देन स्वैप 3 टाइम ऑफ योर फिजिकल मेमोरी इन माय केस इट इज 4 GB। मेमोरी को आप स्वैप कर सकते हैं अगर आपकी मेमोरी कम है तो। सेकंड थर्ड नंबर पे आता है SAP डाटा और यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट पे आपको करना है वो क्या करना है, एड लूप बैक नेटवर्क अडेप्टर। एड लूप बैक नेटवर्क अडेप्टर आपको इंस्टॉल करना है आपके सिस्टम में, और इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। आगे के जितने पॉइंट हैं मैं साथ साथ आपको यहाँ पे नोट करवाता रहूँगा जैसे जैसे हमारी वीडियो आगे बढ़ती रहेंगी। बट जो हम यहाँ तक अभी सबसे पहले हमने ये पॉइंट क्लियर करे हैं, मैंने मेरे पास जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है तो मैंने उसको शेयर कर लिया है ताकि मुझे पार्टीशन ना बनाने पड़े, और ये जो मेमोरी है ये मेरी ऑलमोस्ट सफिशियंट है मेरे पीसी के लिए। उसके बाद जो थर्ड नंबर पे आता है वो आता है हमारा ऐड लूप बैक अडेप्टर, नेटवर्क अडेप्टर है ये। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको वर्चुअल मशीन में जाना है और देन यहाँ पर स्टार्ट मीनू में जाके कंट्रोल पैनल में, और आप को ऐड हार्डवेयर में जाना है। ऐड हार्डवेयर में जाके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद सिस्टम सर्च की जो प्रोसेस होती है वो सिस्टम स्टार्ट कर देगा। देन आपको जो फर्स्ट ऑप्शन है, हैव यू ऑलरेडी कनेक्टेड दिस हार्डवेयर टू योर कंप्यूटर, यस का बटन क्लिक करना है। देन नेक्स्ट पे जाना है और आपको इस लिस्ट के अंदर से नेटवर्क अडेप्टर को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे नेटवर्क कनेक्शन है बट आपको यहाँ पे एड अनदर हार्डवेयर करना है। इस लिस्ट में अगर आपको नेटवर्क अडेप्टर नहीं शो हो रहा, सर्च ऑटोमेटिकली इंस्टॉल द हार्डवेयर दैट आई मैनुअली सेलेक्ट फ्रॉम द लिस्ट, मैनुअली सेलेक्ट द सर्च हार्डवेयर पे क्लिक करते हैं।
यहाँ पे ये सर्च नहीं कर रहा है, इंस्टॉल मैन्युअली पे क्लिक करते हैं। हाँ अभी यहाँ पे हमको सिस्टम दिखा रहा है नेटवर्क अडाप्टर, ये देखिए नेटवर्क अडाप्टर यहाँ पे हमको शो कर दिया है, तो इसको इंस्टॉल करेंगे हम, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और माइक्रोसॉफ्ट का लूपबैक अडाप्टर हमको सेलेक्ट करना है यहाँ से और नेक्स्ट पे क्लिक करना है और दोबारा नेक्स्ट पे। अभी ये जो फाइलें हैं ये कॉपी करेगा और हमको इसको फिनिश करना है, यहाँ पे हमको फिनिश कर देना है। अभी हमारा जो लूपबैक अडाप्टर है वो इंस्टॉल हो गया है, बट अब हमको करना क्या है, हमको जो फोर्थ पॉइंट है हमारा वो यहाँ पे हमको फोर्थ पॉइंट पे क्या करना है, मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, जो फोर्थ पॉइंट हमको जो नेटवर्क अडाप्टर था हमारा वो हमने कंप्लीट कर लिया है, मीन्स ये जितने भी पॉइंट हैं मैं इनको बोल्ड एंड इटैलिक कर देता हूँ, ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारा आता है जो पॉइंट वो है असाइन आईपी का, आईपी एड्रेस असाइन करना है हमको, तो आईपी एड्रेस के लिए हमको करना क्या है, आपको इसमें जाना है यहाँ पे वर्चुअल मशीन में, ये देखिए हमारा लूपबैक अडाप्टर इंस्टॉल हो गया है बट यहाँ पे आईपी हमने नहीं डाला हुआ है इसीलिए यहाँ पे हमको शो नहीं कर रहा है वो, तो हम सबसे पहले यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िगर करेंगे, आप पे आपको इस पर डबल क्लिक करना है, देन प्रॉपर्टी में जाना है और ये टीसीपी आईपी है, इस पर डबल क्लिक करना है या प्रॉपर्टी में जाना है और यूज़ द फॉलोइंग आईपी, आप यहाँ पे अपना आईपी डालेंगे, मैं यहाँ पे आईपी डालता हूँ, न्यूमेरिक की ऑफ है 192.168.0.52 और यहाँ पे मैं डालता हूँ ये मैं आईपी रखता हूँ यहाँ पे और मैं इसको ओके करता हूँ और क्लोज करता हूँ। ओके तो हमारा अभी जो लूपबैक अडाप्टर था हमने वो इंस्टॉल कर लिया है और देन जो हमारा आईपी कॉन्फ़िगर करना था हमको हमने वो आईपी कॉन्फ़िगर कर दिया है, तो उसके बाद जो हमारी प्रोसेस आती है वो आती है कॉपी एसएपी डाटा, कि आपको जो आपका डाटा है वो एसएपी में यहाँ पे जो इस सिस्टम में कॉपी कैसे करना है, तो अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो आप कॉपी कर सकते हैं, बट आपके पास ऑलरेडी शेयर डाटा है तो आप शेयर डाटा को यूज़ कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ फोर्थ नंबर पे जो हमारा पॉइंट रहेगा वो क्या है, कॉपी एस ए पी एंड ओरेकल ओरेकल इंस्टॉलेशन डाटा, इंस्टॉलेशन डाटा तो आपको अपनी हार्ड ड्राइव में कॉपी करना है जो भी एस ए पी और ओरेकल का इंस्टॉलेशन डाटा है, बट मैं यहाँ कॉपी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी हार्ड डिस्क को इससे कनेक्ट कर दिया है और वहीं से मैं नेटवर्क के थ्रू ये जो डाटा है मेरा इसको मैं कॉपी करूँगा, तो हम इसको कॉपी नहीं करेंगे, आप चाहें तो आप अपना डाटा वर्चुअल मशीन में कॉपी कर सकते हैं। देन जो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, ओरेकल जो है वो इंस्टॉल करेंगे,
और अगर आपके पास पैच है कोई विंडो का तो आप पैच वगैरह अपडेट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको पैच इंस्टॉल करना है तो आप पैच इंस्टॉल कर सकते हैं। तो पैच इंस्टॉल करने के लिए आपको कहाँ पे जाना है, ये जो मेरे पास डाटा है तो यहाँ पे मैं पैच इंस्टॉल करता हूँ इसका। देन अभी हमको अपनी जो वर्चुअल मशीन है उसको रिबूट करना पड़ेगा, ये जो इंस्टॉलेशन की है हमने, इसके बाद तो मैं इसको रिबूट करता हूँ। पॉज करता हूँ तब तक हमारी मशीन रीबूट होती है।